राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का विवादों से गहरा नाता है। इसी वजह से पिछले 8 साल से राजस्थान में एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हो पाया। लेकिन राजस्थान क्रिकेट में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की एंट्री के बाद हालात फिर से बदलने लगे हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी जयपुर में बनने वाला है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि राजस्थान में क्रिकेट के हालात काफ़ी बदतर स्थिति में पहुंच गए थे। हमारी कार्यकारिणी बनने के बाद लगातार क्रिकेट के सुधार के लिए काम किया गया। इस दौरान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली से लेकर सेक्रेटरी जय शाह को राजस्थान के हालात से अवगत कराया। इसी का नतीजा है कि बेपटरी हुआ राजस्थान का क्रिकेट अब पटरी पर लौटने लगा है। चैनल के माध्यम से भी हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट श्री सौरभ गांगुली जी और बीसीसीआई सेक्रेटरी श्री जय शाह साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने अभी उनसे फ़ोन पर ही बात की, उनको धन्यवाद दिया है और मुझे खुशी है कि जयपुर में ये दोनों मैचेस होने जा रहे हैं और हम एक बेहतरीन आयोजन करके दिखाएंगे। बीसीसीआई को मैं विशेष तौर पर मैं लगातार संपर्क में रहा इन 2 सालों में। मुझे कई बार मैंने बॉम्बे जाके उनसे मुंबई में मुलाकात करी, अहमदाबाद में श्री जय शाह साहब से मुलाकात रखी। आप सब जानते हैं अभी 15 दिन पहले मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अनुराग ठाकुर साहब से मिल के आया था। मैंने इन सब लोगों को ये विश्वास दिलाया कि हम जयपुर में स्टेट एसोसिएशन रेडी है एक अच्छे आयोजन के लिए। मैं उनको विश्वास दिलाया कि हम लोग बेहतरीन आयोजन करेंगे, बीसीसीआई के तमाम मापदंडों को पूरा करेंगे और मुझे खुशी है कि अब ये मौका उन्होंने हम सबको दिया है और हम बेहतरीन आयोजन करके देंगे। आते हैं लगभग 2 साल पहले हमने आरसी की नई कार्यकारिणी ने पदभार ग्रहण किया। हमारे चीफ पैट्रन और राजस्थान असेंबली के स्पीकर श्री सीपी जोशी साहब ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद दिया और हम उनके को भी धन्यवाद देते हैं कि चाहे जयपुर में नया क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा हो इंटरनेशनल, चाहे जोधपुर में रेनोवेशन वर्क हो रहा है, बट उनका मीटिंग बुला के चाहे उसमें हम कमेटी बनाए, हम तमाम जो पदाधिकारी हैं जो फील्ड के क्यूरेटर हैं उन सबसे बात करके और जल्दी हम क्योंकि बीच में डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते रहे हैं यहाँ पे, तो चाहे पिच की बात हो चाहे ग्राउंड की बात हो, ये सब हमारे इनिशियली तो हमारी सारी तैयारी पूरी है और जो अब फाइनल स्टेजेस की तैयारी है वो निश्चित तौर पे हम एक कमेटी बना के उसको पूरा करेंगे और चीफ पैटर्न श्री सीपी जोशी साहब का जो लंबा अनुभव रहा है इंटरनेशनल मैचेस कराने का उसको उसका हम लाभ उठाएंगे और उनके अनुरूप हम इन मैचेस को पूर्ण रूप से सफल आयोजन करके